हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि हम किस तरह से प्रोग्राम को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हर बार अगर आप प्रोग्राम क्रिएट करो तो उसका सिमुलेशन एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि अगर कुछ मिस्टेक, कोई गलती रह गई हो तो हम उसे सुधार सके, कोई मशीन में कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो पाए, इसलिए सिमुलेशन को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। तो जो पहला स्टेप होता है वो हेडर होता है, हमें हेडर डिफाइन करना पड़ता है कि हेडर में जो जी कोड्स, आप जिसे हम प्रिपेरेटरी कोड कहते हैं, जी कोड है उसको डिफाइन करना है। G71 होता है वो MM के लिए है, मेट्रिक यूनिट के लिए होता है। G70 है वो इंच मोड के लिए होता है। जो 90 आप देख सकते हो, G90 यानी कि एब्सोल्यूट सिस्टम प्रोग्रामिंग में, अब अगर हम एब्सोल्यूटली प्रोग्रामिंग करना चाहे तो G90, और अगर इंक्रीमेंटली करना चाहे तो G91 कोड आता है। G95 है वो MM पर रिवॉल्यूशन है, यानी कि अगर आपका स्पिंडल एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो आपका जो टूल है वो 1 mm आगे चलेगा, उतनी फीड आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि फीड होती है 0.3 की, तो एक रिवॉल्यूशन में 0.3 mm आपका टूल ट्रैवल करेगा। तो ये बात हमें ज़रूर याद रखनी है कि G95 है वो टर्निंग के लिए बना हुआ कोड है। जब स्पिंडल एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वो इतना mm आगे बढ़ेगा जितनी आप यहाँ पर वैल्यू दोगे। जैसे कि यहाँ फीड है 1 की, तो एक रिवॉल्यूशन में 1 mm वो आगे बढ़ेगा। नाउ उसके बाद अगर हम देखें तो G94 आता है, वो mm पर मिनट के लिए होता है। लेकिन आप यहाँ पर साइकल्स में अगर उसका यूज देखो, G95 एक्चुअली mm पर रिवॉल्यूशन में है। यहाँ अगर मैं प्रोग्रामिंग अगर करना चाहूँ G94 में, और मैं G94 यानी कि mm पर मिनट, यानी उसका यूनिट रहेगा एक मिनट में आपका टूल कितना mm आगे बढ़ेगा, कि हम फीड जनरली होती है 400 mm पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 400 जितना आगे बढ़ेगा। बट यहाँ पर अगर ये सीमेंस का एक बग देखा जाए कि मैंने यहाँ G94 कमांड लिखा है, फिर भी अगर मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो वो मुझे फीड देगा वो mm पर रिवॉल्यूशन में देगा। तो आपको कभी भी गलती नहीं करनी है, यहाँ G94 या G95 अगर स्ट्रोक रिमूवल जैसी साइकिल्स आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो फीड आएगी वो mm पर रिवॉल्यूशन में ही आएगी। तो मेरा एक फ्रेंड है, फिलहाल हाल ही में उसने यहाँ G94 mm पर मिनट में प्रोग्रामिंग किया, बट जो उसने जो प्रोग्राम बनाया था वो यहाँ सीमेंस की साइकिल्स को यूज़ कर ही किया था, और यहाँ पर फीड रेट उसने 500 डिफाइन की थी। सपोज उसने 500 mm पर मिनट करना चाहा, बट वो एक्चुअली में क्या हुआ, वो 500 mm पर रिवॉल्यूशन की फीड से टूल आगे बढ़ा और इंसर्ट टूट गई। तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने G94 डिफाइन किया है, फिर G64 है वो कंटिन्यूस पाथ के लिए होता है। तो उसके बाद है टूल नंबर, आपको यहाँ पर टूल नंबर डिफाइन करना है, फिर टूल चेंजिंग कमांड। सबसे पहले टूल नंबर आएगा, फिर टूल चेंज का कमांड M6 होता है, D1 यानी कटिंग एज नंबर। अगर आप आपके ऑफसेट में यहाँ लाइब्रेरी देखोगे, आपकी टूल मैगजीन देखोगे, तो ये 1 जो T1 T2 हम लिख रहे हैं वो यहाँ से वो लेगा, ये T1 है। फिर ये सिस्टर नंबर है, यहाँ पर टूल नंबर है, यहाँ पर टाइप है कि रफिंग का आपको कौन सा टूल, यहाँ पर कटिंग एज है। ये भी काफ़ी डीप में आपको समझना चाहिए कि कटिंग एज क्या है, ये सब कुछ। फिलहाल यहाँ इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे ज़्यादा। फिर ये D1 यानी डायरेक्टरी नंबर, ये टूल कि आप अगर आप ऐसा समझो कि एक ही लोकेशन में कैप्टो टूल का एग्जांपल यहाँ पर सही रहेगा कि एक ही टूल होल्डर में आपको 2 टूल लगाने हैं। ओके, एक ही टूल होल्डर में, एक ही लोकेशन पे, T1 पे आपको अगर 2 टूल की लेंथ चाहिए एक्स एंड जेड में। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि एक्स एंड जेड आपको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पर D1 एंड D2 यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। चलो इसकी लेंथ कुछ x की इस तरह से आ गई, और ये लेंथ z की कुछ -250 कुछ इस तरह से लेंथ है, तो आप D1 और D2 का यूज़ कर सकते हो। यहाँ सिर्फ हमें प्रोग्रामिंग में क्या करना है कि अगर मुझे फर्स्ट
जो यहाँ पर अगर इस प्रकार से बैक साइड वाली कटिंग एज वाला अगर मेरे पास टूल है यहाँ पर इस प्रकार से, ओके नाउ यहाँ फर्स्ट लोकेशन में मुझे ये टूल कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर D1 लिख दूंगा, तो ये कटिंग एज नंबर है D1। अगर मुझे दूसरा वाला टूल, दूसरी कटिंग एज वाला टूल चाहिए तो मैं D2 डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहले हम D1 के लिए एग्जांपल देखते हैं, फिर हेडर में क्या आएगा, कटिंग स्पीड है उसका कमांड है कि मुझे RPM कितना, कितने RPM पर मेरा चक चलाना है, या स्पिंडल की स्पीड क्या है। G96 होता है वो कंटिन्यूअस कटिंग स्पीड के लिए, कटिंग स्पीड को कांस्टेंट रखेगा। अगर आपने 250 S250 यानी कटिंग स्पीड है आपकी वो है 250 mm पर मिनट, ओके ये सॉरी ये मीटर पर मिनट में होती है, 250 मीटर पर मिनट। नाउ LIMS 1500, ये कटिंग स्पीड वाला भी कंसेप्ट काफी अच्छा है, डीपली आपको समझना चाहिए। नाउ ये डायमेट्रिकली कटिंग स्पीड का भी मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, उस पर आप समझ सकते हो उसको लेकर, उसको देखकर। तो यहाँ 1500 RPM तक ही मेरा चक स्पिंडल है वो घूमना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उतना ही जो मेरा मशीन है वो कैपेबल है। इसलिए M3 एंड M4 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन M3 एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर M4 को हमें डिफाइन करना है। फिर यहाँ पर है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, तो मेरी कुछ ये साइकल्स हैं, ये मैंने कुछ सिंपल प्रोग्राम बनाया है, तो वो ये मैंने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसमें प्रोग्राम बनाया, फिर वो ख़त्म कर दिया। फिर कमांड आता है M5 M9 और M30, M30 यानी कि एंड ऑफ फाइल। M5 देखा जाए कि स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए कमांड है, M9 है जो ये मशीन के कमांड्स है, जो M कोड होते हैं वो मशीन कोड होते हैं, तो वो वेरी करते हैं। अगर आपके आपके पास जो यहाँ पर अगर मैं M8 लिख दूँ तो ये कूलेंट का कमांड है, यानी यहाँ पर कूलेंट स्टार्ट हो जाएगा इस जगह पे, ओके। M9 यानी कि कूलेंट बंद करने के लिए कमांड है। नाउ M30 को भूलना नहीं है, M30 यानी एंड ऑफ फाइल होता है, M30 लिखना भूल जाओगे तो एग्जीक्यूट करोगे या सिमुलेशन करोगे तो उस टाइम उस समय पर एरर आएगी। नाउ सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, ये हमारा सिमुलेशन है, अगर आप सिमुलेशन हर बार देखोगे तो कई सारे एक्सीडेंट से बच पाओगे। ये कुछ प्रोग्राम है, यहाँ पर किसी भी जगह पर कोई एरर नहीं आएगी। अगर M30 लिखना भूल जाओगे तो वो एरर बताएगा, जैसे कि एंड ऑफ फाइल कहाँ पर है वो ऐसा हमें कहेगा। इनलीगल एंड ऑफ फाइल, जैसे कि ब्लॉक 18 यहाँ पर आपने देखा, तो इस प्रकार से एरर आएगी। नाउ तो इसलिए मुझे M30 लिखना भी जरूरी है। यहाँ इस सॉफ्ट की पर मैं अगर क्लिक करूँ तो रीनंबरिंग का ऑप्शन आएगा, यानी आपको ब्लॉक कंटिन्यूस आ जाएगा। अगर आपको फाइंड करना है कि एरर कौन से ब्लॉक में है, जैसे कि अभी आया था फिलहाल, तो मैंने M30 लिखना भूल गया, यहाँ पर नहीं, मैं कुछ यहाँ पर ये अल्फाबेट इस प्रकार से टाइप कर दो, फिर मैं रीनंबरिंग कर देता हूँ। आपने तो प्रोग्राम बना दिया पर आपको पता नहीं कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है, अगर आप सिमुलेशन या एग्जीक्यूट करोगे तो अब आपको पता चलेगा, बट वो किस ब्लॉक पे एरर है वो आपको अगर फाइंड करना है तो ये आपको बता देगा कि N90 यानी 90 नंबर का ब्लॉक है उस पर ये चीज़ है, कुछ नॉट एग्जिस्टिंग और विल बी एडिटेड, तो वो कुछ गलत हो चुका है, तो उसको आप वहां से एरर फाइंड कर सकते। तो ये रीनंबरिंग करना भी बहुत ही जरूरी है, हर बार अगर आपको आपकी प्रोग्रामिंग में कहीं भी किसी भी जगह गलती हो चुकी हो तो वो आपको जल्दी से वो ब्लॉक बता देगा कि इस ब्लॉक में आपकी कोई एरर है। नाउ D2 का ये G94 वाला तो मैं बताना भूल गया, G94 mm पर मिनट, ओके जो कटिंग स्पीड है, जो VC जिसको लोग कहते हैं वो मीटर पर मिनट में आता है। नाउ हाँ, अगर आप यहाँ पर देखो तो जो फीड है, मैंने एक्चुअली में तो 94 डिफाइन किया है, बट यहाँ पर 95 का आउटपुट निकला है, तो सीमेंस में बाय डिफॉल्ट जो अगर कंटूर साइकिल्स का
अगर आप यूज करोगे तो उसकी जो फीड रहेगी वो MM पर रिवॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट रहेगी। सो गलती से भी किसी भी वक्त MM पर मिनट के तौर पर फीड डिफाइन मत करना, ये वार्निंग है। यहाँ पर आपको फीड डिफाइन करनी है MM पर रिवॉल्यूशन में ही, वरना काफी तेजी से आपका टूल चलेगा और क्या पता क्या क्या टूट सकता है। नाउ ये कुछ, ये आपका प्रोग्राम एंड के लिए दो ब्लॉक है, तो M5 यानी स्पिंडल स्टॉप करने के लिए, M9 कूलेंट, M30 यानी एंड ऑफ फाइल। और कुछ रीनंबरिंग में, हाँ, इंक्रीमेंटल आपको कितने का देना है, तो वो कुछ इस तरह से, अगर आपको फर्स्ट का फर्स्ट एंड इंक्रीमेंटल 1 यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से कुछ सीरीज चाहिए तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। एंड रीनंबरिंग, ओके, ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से। और ये जो कोमा है, सेमी कॉलन, वो एंड ऑफ ब्लॉक के लिए है, जहां पर भी आप ये टाइप करोगे तो उतनी लाइन वो रीड नहीं करेगा, वो ब्लॉक को पढ़ेगा ही नहीं। और यहाँ पर जो सिंगल ब्लॉक है उसकी मदद से हम प्रोग्राम है पूरा सिंगल ब्लॉक में चला सकते हैं। ये एक अपनी अपनी तरह से ब्लॉक है, जहां पर N1 N2 वो अलग डिफाइन करेगा, ये अपने आप में एक ब्लॉक है, ये अपने आप में पूरा एक ब्लॉक है, एक ही साथ मशीन ये पूरी चीज एक साथ ही रीड करेगा, ये अपने आप में एक ब्लॉक है, ये एक अलग से ब्लॉक है, जैसे कि मैं सिमुलेशन में दिखाऊं आपको। और मैं प्रोग्राम है उसको सिंगल ब्लॉक में रख दूं, जो कि मैंने रख दिया है ऑलरेडी, तो यहां पर आप देख सकते हो कि कौन सा ब्लॉक अभी रीड हो रहा है। ये अभी T3 पे चला गया है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं उसको वो स्किप कर देगा। जैसे कि यहाँ पर टूल नंबर है ये T1, ये अपने आप में ही आ चुका है। नाउ सिंगल ब्लॉक मैंने किया तो वो खुद ही M6 D1 वो सब कुछ टूल ऑलरेडी मेरे पास आ ही गया था, तो वो पढ़ने नहीं जाएगा, बाकी की सारी चीजें वो सिंगल ब्लॉक में ही पढ़ेगा। जैसे कि ये कटिंग हुआ यहाँ तक, फिर ये रिट्रैक्ट, फिर दूसरी कट लेने के लिए टूल गया, फिर ये सारी सिंगल ब्लॉक में हम चला सकते हैं। और यहाँ पर आपको फीड दिखेगी, यहाँ पर आपकी जो फीड परसेंटेज है वो दिखेगी, यहाँ पर सिमुलेशन टाइम फिलहाल कितना टाइम हुआ है वो दिखेगा, यहाँ X Z एंड Y की वैल्यूज है, ये स्पिंडल 1 है, उसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ टूल नेम, फिर ये डायरेक्टरी नंबर, ये डायरेक्टरी नंबर भी आप अगर देख लो तो यहाँ T1 में ही मैं D2 कर देता हूँ तो दूसरी कटिंग एज आएगी, यानी कि जो मैंने उल्टी डिफाइन की थी वो आएगी। काफी सारे एंगल्स है, वो सारे सिमुलेशन में डिपेंड करते हैं, तो कुछ अच्छी तरह से इनसेट का नॉलेज होना वो भी जरूरी है। यहाँ पर है करंटली कटिंग एज पोजिशन 1 इम्परमिसिबल, जो हमने स्ट्रोक रिमूवल साइकिल्स यहाँ पर फीड की है, वो इस प्रकार की कटिंग एज से वो वर्कपीस वो प्रोग्राम नहीं चल पाएगा, ये एरर्स हो कर रहा है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ओके, कि इस प्रकार से मेरा मेरा टूल इस तरफ की कटिंग एज वाला है और वो इस तरह से कट नहीं कर पाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। नाउ तो यहाँ पर आप देख सकोगे, तो मैं यहाँ पर ही कुछ दूसरा टूल डिफाइन कर दूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यही स्टेशन में दूसरा टूल है, उसकी लेंथ कुछ इस प्रकार से है, D2 में सिर्फ यहाँ पर डिफाइन कर दूँ और उसकी नोज रेडियस है 0.8। ओके, अगर देखे कि VC MT 35 डिग्री इंसर्ट एंगल वाली और 16 mm 16 mm लेंथ और SVHBL का टूल हो मेरे पास, ये रहा हमारा पूरा एंट्री एंगल, ये है हमारा लीड एंगल, ये है क्लियरेंस। नाउ अगर हम D2 डिफाइन कर कर हम प्रोग्रामिंग करें तो मेरा उस प्रकार का टूल जो मैंने अभी डिफाइन किया है VCMT वाला टूल आएगा, वो कटिंग करेगा इंसर्ट्स के सारी एंगल, ये काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर D2 आ जाएगा, ओके, और मेरी VCMT इंसर्ट यहाँ पर कट करेगी कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। सो और कुछ वो तो ज़रूर बताएगा। ऑल द बेस्ट।